अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी जी माशाल्लाह से हमारे पास मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है, हर तरफ बादल ही बादल हैं और ठंडी ठंडी हवाएँ जो हैं वो चल रही हैं। तो इस साइड पर भी माशाल्लाह काफ़ी सारे बादल हैं और इस साइड पर शायद तिली की हो रही है हार्वेस्टिंग, यानी कि इसको काटने के बाद फिर इसको मशीन में डाला जाता है तभी जाके निकलती है। हमारी अभी तक थोड़ी सब्ज़ खड़ी है, लेकिन जिन लोगों ने थोड़ा पहले काश्त की थी वहाँ पर जो है थोड़ी बड़ी हो चुकी है। जिन्होंने पहले काश्त की थी तो उनकी जो है उनकी हार्वेस्टिंग हो रही है। और यहाँ पर जो है ना कौवा मियाँ भी आके बैठ गया है और इसने भी बोलना शुरू कर दिया है। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत माहौल बना हुआ है। तो अभी जी इस साइड पे तारिक साहब और मोहम्मद सुबान जो है वो तरपाल की सेटिंग कर रहे हैं और साथ में जो दूसरी तरपाल है उसको भी ऊपर डाल रहे हैं। हमने पहले वैसे वो डाली हुई थी, लेकिन फिर जो है हमारे हमसाए वो लेकर गए थे, उन्होंने तिले निकालनी थी इसलिए उन्होंने निकाल ली, फिर उन्होंने हमें वापस किया। तो मैंने कहा आप एहतियातन डाल दें क्योंकि बारिश हो सकता है थोड़ी तेज़ हो जाए तो फिर मसला बन सकता है, क्योंकि बादल इस साइड पर भी काफ़ी सारे हैं और इस साइड पर तो बहुत सारे जो है वो बरस भी रहे हैं। ये वाले बादल ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि काले नहीं है, सियाह नहीं है, अक्सर जो बादल ज़्यादा सियाह नहीं होते वो ज़्यादा बरसते हैं। और ये वाले बादल जो है जो हमारे घर के ऊपर बिल्कुल ऐसे खड़े हुए हैं ये काफ़ी सियाह हैं। तो डाल लिया ये, मैं डलवाऊँ? अभी एहतियातन बंदा डाल भी देता है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो कुछ पता नहीं चलता बारिश का। हाँ ये तो आपकी बात ठीक है, चले कोई नहीं, अभी फ़िलहाल रख दें, फिर देखते हैं डालनी है या नहीं। हाँ जी, तो अभी जी फ़िलहाल हम लोग जो है ना चलते हैं इधर, तारिक साहब और मोहम्मद सुबान ऊपर बैठ के माहौल को एंजॉय कर रहे हैं, तो हम भी चलते हैं और जाके जो है ना आपको भी थोड़ा सा माहौल जो है ना उसको एंजॉय करवाते हैं, क्योंकि बारिश जो है ना वो भी आस्ता आस्ता तेज़ होती जा रही है। और यहाँ पर बैठा है मोहम्मद सुबान, अल्लाह मेरा वज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और सीढ़ी बेचारी जो है ना वो बिल्कुल हल्की है। मोहम्मद सुबान, बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है, आस्ता आस्ता लगे हुए थे, अभी आ जाओ नीचे आ जाओ। तो तारिक साहब ने अपना जूता वहाँ पर, हाँ जी आप बोल रहे थे कि बारिश नहीं आएगी लेकिन बारिश आ गई। तो फिलहाल जी बारिश जो है वो हल्की हल्की होना शुरू होगी और मोहम्मद सुबान चेक करने यहाँ पे बैठ के बारिश को इंजॉय कर रहे हैं ना मोहम्मद सुबान। और इस साइड पे बारिश मैंने बोला था काफ़ी तेज़ हो रही, तो वाकई तेज़ हो रही है। तारिक साहब जो हमें पहले बैठ गए थे अभी फिर वो लग गए करने के लिए, तो यहाँ से चेक करें जी दरिया को। हाय 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 हाय, दरिया में बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है, यहाँ से भी नज़र आ रहा है, यहाँ से भी नज़र आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, फिश तो होनी चाहिए लेकिन अभी फ़िश खाने को दिल नहीं कर रहा ना मोहम्मद सुबान, नहीं करो। तो असल में हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है ना, तो इसलिए हमने इस यहाँ पे जो है डाल दिया, ये उधर भी डाल दिए। फजर जो है वो नीचे सो रही है, बारिश हल्की हल्की आना शुरू हो गई। चलें मोहम्मद सुबान देखें जी कैसे इंजॉय कर रहे हैं। तो फिलहाल जी मैं भी आ चुकी हूँ ऊपर, ऐसे काफ़ी टाइम से आई हूँ, ये नहीं कि अभी आई हूँ, तो अभी हम लोग भी यहाँ से मौसम जो है थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। तो तारिक साहब इस साइड पे साइडों पे बारिश इतनी तेज़ है ना, इससे पहले कि बारिश इधर आए हम लोग नीचे भाग के चले जाएं। आने दे अल्लाह पाक की रहमत है। हाँ जी, तो यहाँ से जो दरिया का व्यू है वो आपने सही नहीं दिखाया, बारिश रुक गई है, ये देखें आप बोली हो बारिश ही रुक गई है। ये बारिश आएगी, मुझे लगता है कि बारिश आएगी क्योंकि इस साइड पे बहुत ज़्यादा बारिश बरस रही है। और ये जो घने बादल ऊपर खड़े हैं ना हमारे घर के ऊपर, ये इनमें इतना पानी नहीं, इन्होंने इतना पानी नहीं पिया हुआ, कम पानी पी आपको के आए। बता के आए? हाँ जी मुझे बता के आए हैं। अच्छा हम लोग जब वहाँ पे गए थे ना तो उधर जब बर्फ़ थी तो वहाँ पे बड़े बादल आ रहे थे, मैंने कहा वहीं से पानी पी कर ये हमारे पास आते हैं और आके ठंडा बादल। पानी है ना। हाँ जी, फिर यहाँ पे तभी तो ठंडी हवाएं चलती हैं, फिर यहाँ पे बारिश बरसाते हैं, बहुत बादल थे वहाँ पे ऐसे तो ना यहां नीचे से नीचे। दरियाए रावी का व्यू ये चल रहा है जी, ये सारा दरिया वहां से आ रहा है, हमारे पास ड्रोन नहीं है वरना आपको व्यू दिखाते दरिया। हाँ जी, एक दफ़ा पहले हमने शॉट लिया था इसी तरह छत के ऊपर से, सभी कह रहे थे वाह आए, तो ड्रोन का कमाल हो गया कि ड्रोन से आपने बनाया वो, तो वो ड्रोन से नहीं बना हुआ था, वो हमने इसी तरह जो है छत पे खड़े होकर लिया था। और तारिक साहब ने वो एक वीडियो मेरी बनाई थी जो मैं कुकिंग कर रही थी। वीडियो वाले हाँ जी, ईद वाले दिन ना, वो भी कह रहे थे ड्रोन से, तो वो हमने यहाँ से खड़े होकर शूट की थी। बारिश में फिर तेज़ होगी है ना। इधर आ जाओ।
तो हम लोग तो नीचे जाते हैं क्योंकि छत जो है ना बेचारी को इतना ज्यादा वो ना करे, जितनी लगती है इस तरह है नहीं, ये तो हम वैसे डालते हैं ना तरपाल। हो गई तरपाल आपने जो डाली है वो भी गई। फजर सॉरी अगर बारिश ज्यादा होगी तो उसको मजबूत करें क्योंकि वो उस उसकी लिपाई नहीं की हुई तो उसके पानी नीचे जा सकता है। आज मोहम्मद सुबह नीचे उतरे हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह जी। अच्छा तारिक साहब वहाँ पे एक घर था वो नजर नहीं आ रहा, वो जो है उधर आगे जो है हो गए हैं वो कमाद, हो गया कमाद बड़ा हो गया ना गन्ने का खेत। अभी लोगों को कमाद को कुछ लोगों को नहीं पता, वही तो मैंने आपको बोला है वो बादल नहीं है वो बारिश है अल्लाह के बंदे। ये पकड़ो फिर आप है? हमें जाने दो नीचे भाई आप। अभी फिलहाल जो है ना नीचे चलते हैं, हम लोग ऊपर आए हुए थे क्योंकि यहाँ पे तारिक साहब ने बिछानी थी तरपाल। आज 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 ऊपर आना ये नीचे से खेल रही है कह रही है कि मैंने भी ऊपर आना है। आज मोहम्मद सुबान जो है वो बस ऐसे भाग रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं जी नीचे, वही साइड पे गन्ने का खेत ऐसे लहरा रहा है। तो माशाल्लाह से ये वाला खेत जो है गन्ने का ये बहुत ही जल्दी ग्रोथ किया है इसने। मैं तारिक साहब से बोल रही थी ये असल में नया नहीं लगाया गया, जो एक दफ़ा लगाते हैं तो दूसरी बार जो होता है ना वो बहुत ही सेहतमंद और अच्छा होता है, जो नया लगाते हैं वो थोड़ा कम होता है। चलो सुभान नीचे जा रहा है, गिर जाएगा आपसे नहीं उठाया जाना ऐसे काबू कर ले। चल भाई मोहम्मद जुबान तो नीचे चला गया, अभी मेरी बारी है। तो मैं पहले भी अल्लाह अल्लाह करके आई थी ऊपर, सीढ़ी सीढ़ी कहीं ऐसा ना हो कि वो टूट जाए, लकड़ी की बनी हुई है और काफ़ी टाइम हो गया ना तकरीबन, तो इसलिए फिर ख़राब हुई हुई है थोड़ी सी। आ जा मम्मो इधर आओ। तो माशाल्लाह जी अभी ये ड्रोन का शॉट, ये जो सभी कहते हैं कि वो ऊपर से ड्रोन का शॉट आता है, तो मैं जो है ऐसे नीचे खड़ी होती हूँ, तारिक साहब ऊपर जो है चढ़ के शॉट ऊपर से लेते हैं, इस तरह फिर जो है वो बनती है हमारी ड्रोन वाली वीडियो। हवा जो है वो काफ़ी तेज़ चलना शुरू हो गई इसीलिए बारिश जो है वो हल्की हो गई है। तो मैं बस हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि बारिश जो है वो हवा वाली नहीं होनी चाहिए, बारिश वो जिससे रुक के बरसे वो अच्छी लगती है। आज इसको रोटी डाल। चलो तो जब बारिश आती है तो दिल करता है बंदा जूता उतार के ऐसे चले, तो फिर वो ठंडे ठंडा जो होता है ना वो बड़ा बंदे को अच्छा लगता है, उससे दिमाग भी काफ़ी फ्रेश हो जाता है। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, केतली ले आई हूँ मैं, अभी इसको धोते हैं और फिर चाय बनाते हैं। वैसे चाय के साथ पकौड़े भी होते तो अच्छा था, लेकिन पकौड़े हमने उस दिन भी खाए हैं तो गर्म चीज़ें जो है वो ज़्यादा नहीं खानी चाहिए है ना, क्योंकि जब हम लोग टूर पर गए थे ना वहाँ पर भी कबाब वगैरह और इस तरह की चीज़ें थी, जो लस्सी और दूध इस तरह की चीज़ें हमें वहाँ पे भी नहीं मिली, इसलिए अभी हम इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं कि ये चीज़ें ना ही खाएं, तभी जाके हमारे जो माइंड फ्रेश होंगे, ठंडी ठंडी चीज़ें खाएंगे और फिर जाके हम अपने इस माहौल के मुताबिक जो है ना वो सेट होंगे। क्योंकि सभी बोल रहे हैं कि आपका एनर्जी लेवल जो है ना वो थोड़ा सा लो होता जा रहा है। भाई गर्मी है, गर्मी की वजह से हर इंसान का एनर्जी लेवल लो हो जाता है, तो फिर मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई लोहे की बनी हुई थोड़ी हूँ, तो इसी तरह फिर मेरा भी थोड़ा सा एनर्जी लेवल जो लो हो गया। तो अभी जैसे ही ये मौसम अच्छा हुआ देखें अभी फिर से माशाल्लाह एनर्जी लेवल टैट अच्छा हो गया। अभी बातें कम करते हैं कि वो कहेंगे कि आप लोग बोलेंगे कि आपका एनर्जी लेवल लो ही रहे, क्योंकि आप फिर ज़्यादा बोलना शुरू कर देती हैं जब आपका ठीक होता है। तो मोहम्मद सुबह नहीं करो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बारिश जो है वो तेज़ होगी और मैं यहाँ पर हाँ जी बारिश अंदर आ जाओ अंदर, बच्चे देख बैठे फजर के काम चेक कर ले, कुछ हद तक उन्होंने ऊपर डाल दिए। हाँ जी डाल तो गई है लेकिन वो कैमरा गीला हो गया।
तो अभी जी फिलहाल बारिश जो है ना वो यहाँ पे भी आना शुरू हो रही है ऊपर से नीचे। हमें अंदर तारिक साहब की हर दफ़ा खूब बाढ़ लगती है। हजर आज बेटी अंदर, ये आपके बाबा का वॉयलेट और ये सारी चीज़ें भीग रही हैं। फिर झाड़ के बाहर जाओ। बेवकूफ दो मोबाइल इतना रख लग गए। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। प्लेटा कि प्लेट बारिश का पानी जो है ना वो अंदर भी इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं सोचा था कि बारिश आएगी, लेकिन वो आ गई है, ज़्यादा ही आ गई है। हवा चल रही थी, हमने कहा बादल आगे चले जाएंगे, लेकिन नहीं गया और हमारी चाय अभी तैयार नहीं हुई। वहाँ से हमने इधर मूव करके आ गए क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। सिराना भिजदा गति तो ये छट्टे वाली बारिश है, बहुत ज़्यादा चूल्हा भी भीग गया और रात को खाना कैसे बनाना है। सारी जल्दी की थी फिर भी लेट हो मरा गए। तू माचिस खराब कर ला। चौधरी साहब आ जा भी चंदी पई हूं जेड़ा उत्ते चढ़ाया भाई। तो अभी जी फिलहाल बारिश जो है वो बहुत तेज़ हो चुकी है और तारिक साहब जो है ना वो यहाँ से छींटे छींटे जो है वो साइड पे कर रहे हैं ताकि पानी जो है सारा बारिश से हमें निकल जाए। बस ज़्यादा खड्डा नहीं करना, फिर लिपाई करनी पड़ती है, बस कर। तो बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है इस साइड पे ये वाला, और इधर चेक करें हमारा ये वाला चीज़ भी भर चुकी है ऊपर से पानी। याद भी नहीं रहा ना अचानक बारिश शुरू हो गई। तारिक साहब के हाल चेक कर लें, इनका हर दफ़ा ऐसे ही होता है इनके साथ। इधर से भी पानी निकाल दें, यहाँ भी पानी जो है फिर जमा नहीं होगा से यहाँ। हाँ जी सावन की ये पहली नहीं आई, पहले इतनी बारिश जितनी आज आई है, बहुत तेज़ बारिश हो गई और इतनी ज़्यादा। एक तो सैलाब जो है वो पानी दरिया में बहुत ज़्यादा है और दूसरे नंबर बारिशें। तो बारिशें अगर ज़्यादा आएंगी तो फिर समझ लें सैलाब भी आएंगे, क्योंकि बारिशों का पानी बहुत ज़्यादा है जो दरियाओं में आता है और सैलाब आते हैं। क्योंकि आज दरिया में भी पानी इतना ज़्यादा है और ऊपर से बारिश इतनी ज़्यादा तेज़। बस अल्लाह पाक जो है वो रहम करे और रहमत की बारिश हो और सब के लिए आसानी हो। बहुत तेज़ बारिश उस साइड पे, बहुत तेज़ बारिश भी होना वो शुरू हो चुकी है। मोहम्मद सुबहान फजर अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पर पानी जो है ना वो काफ़ी सारा जमा हो गया। साइड पे तारिक साहब लगे हुए हैं क्योंकि ये कच्ची मिट्टी और नीचे से सुराख से भी हो जाते हैं। तो ये जो बेल लगी हुई थी इनकी भी काफ़ी बचत हो गई है, इनकी वजह से काफ़ी पानी इस साइड से अंदर नहीं आया, लेकिन मोटरसाइकिल फिर भी भीग गई है। इस साइड पे बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा तेज है।
तो अभी जी फिलहाल मैं बच्चों के पास चलती हूँ और मेरी चाय जो है वो वैसे की वैसे ऊपर खड़ी हुई है। मैंने ऊपर अम्ब्रेला ली हुई है। अंदर आ जाएं, बात करें अभी। इधर कमरे में पानी चेक करें कितना ज्यादा हो गया। हजर कहाँ गायब हो गई? हजर कहाँ है? हजर कहाँ पे छुपी हुई है? फजर 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 यहाँ पे झुक के बैठ गई है, खड़ी हो जा। बारिश बहुत तेज हो रही है और मुझे पानी की जरूरत है। पानी जो है ना वो भर लेते हैं। यहाँ पर पानी चेक करें कि इससे कितना इकट्ठा हो गया। यहाँ पर भी अभी सारी कचरे निकल चुकी हैं। जो जमीन ऐसे हो सूखी पड़ी थी ना, वो भी अभी आज मजे का नहीं। अभी फजर जो है ना उसको भी देते हैं, वो बैठी हुई इंतजार में है चाय की। हल्का हल्का अंधेरा है वैसे तो हमारा मैं हल्का हल्का अंधेरा है वैसे। हमने यूपीएस चला दिया और हमारी जो है लाइट वो जल रही है। चलो बेटी यहाँ पे साथ में रख लो, ये अपने टेबल पे रख लो। सारे पाकिस्तान में लाइट चली जाए लेकिन हमारे पास नहीं जाती, क्योंकि ये अल्लाह की दी हुई है ना लाइट। ये तारिक सच्चा अपील, आप ज़्यादा ठंडे हुए क्योंकि इन्होंने बाहर भाग दौड़ काफ़ी की है ऊपर भी, फिर भी वो उसमें छप्पर में से पानी आने लग गया था। थोड़ी जी मैं पी लेनी अभी तम देख। असल बारिश जिसे कहते हैं ना वो समझ लें आज हुई है बहुत तेज़। पहले इतनी बारिश नहीं हुई कभी, कभी तो नहीं, खैर पहले बहुत सी बारिशें हुई हैं जो मैंने आपको दिखाई भी हैं, ऐसे ही होती थी। लेकिन गर्मियों की जो असल बारिश हुई है वो अभी हुई है। बारिश जो है ना वो तकरीबन आधा घंटा या 45 मिनट हो चुके हैं लगी हुई है। मैंने एक दफ़ा पानी यहाँ से जो है वो बाहर निकाला, अभी फिर काफ़ी ज़्यादा पानी हो गया। तो आज मैंने कहा बारिश की वीडियो बनाते ही रहते हैं, क्योंकि काफ़ी हमारे बहन भाई बोलते हैं कि जब बारिश हो तो बारिश की वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना किया करें, हमें बारिश की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिलहाल हम यहाँ से आज बारिश ने सारे रिकॉर्ड जो हैं वो समझ में तोड़ दिए हैं और अभी हमें लगेगा कि हमारा कमरा जो है ना वो महफूज नहीं रहा आज वाली बारिश के बाद, क्योंकि तरपाल एक साइड से फट, आज लगता है कि बारिश के पानी में डूब जाएंगे, ऐसे हो गए, डूबने वाले सीन लग रहे हैं। जैसे पानी है इतना ज़्यादा ऊपर से भी आ रहा है। फिलहाल मैंने यहाँ से पानी बाहर निकाल दिया, लेकिन छत जो है ना पानी की वो इसी साइड पे आ रही है तो ये फिर भर जाएगा। तो बाहर जो हमारा गार्डन है ना लॉन, वो भी भर चुका है पानी के साथ आज। तो इतना है कि पहले रेत पानी पी जाती थी, लेकिन आज मेरे ख्याल में ये रेत की भी बस हो गई है। वो भी कहती है कि मैं अभी मेरा पेट भर चुका है, मेरी बस है मैं अब। तो अभी जी फिलहाल तकरीबन जो है एक घंटा हो गया बारिश मुसलसल उसी तरह लगी हुई है। तो हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आएगी। अभी हमारा जो लॉन है गार्डन वो भी पानी से ऐसे बिल्कुल भर चुका है और बहुत ज़्यादा जो है बारिश आज हुई है। तो यही वजह है कि जब बारिशें होती हैं और फिर साथ में सैलाब आते हैं, क्योंकि बारिशों का पानी ज़ाहरी बात है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फिर ना सैलाब आना शुरू हो जाते हैं। तो बाकी अभी जो ये ज़मीन है ये भी पानी में से बिल्कुल फुल हो चुकी है, तो यहाँ पर अगर सैलाब आए भी तो समझ ले पानी उसकी सतह ऊपर ही जानी है, क्योंकि ज़मीन में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो कुछ पानी अपने अंदर जज़ब कर ले, क्योंकि पानी जो है वो ऑलरेडी बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। इसलिए तो इस साइड पर हमारा पानी जो है वो बहुत ज़्यादा रुका हुआ है, उस साइड पर भी रुका हुआ है और इधर भी। तो जो हमारा इस साइड वाला है ना ये
किचन जिसे हम लोग बोलते हैं वो आज पानी से बिल्कुल ऐसे मुकम्मल तौर पे भर चुका है। इसमें बहुत सारा पानी और तारिक साहब की मोटरसाइकिल जो है वो तो उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। तो इन्होंने अपनी जो है पगड़ी वगैरह जो वो भी नहीं उतारी है। और आज बहुत तेज़ बारिश हुई है, पहले तो हवा भी थी लेकिन फिर हवा अचानक से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हवा रुक गई है, क्योंकि जितनी तेज़ बारिश थी अगर हवा भी साथ में होती तो ये सारी चीज़ें उड़ा कर ले जाती। इस साइड पर बच्चे जो है ना वो अपने खेल रहे हैं दोनों, और हम मैंने इनको चाय वगैरह जो पिला दी, अभी जैसे बारिश रुकेगी तो फिर हम लोग जो है बर्तन अपने धो लेंगे। और तारिक साहब जो है ना वो इधर कस्सी लेकर इधर उधर पानी को करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पानी जो है ना वो खेत में चला जाए बजाय यहीं पर खड़ा रहने के। तो आज हमारे सहन की लिपाई जो है वो बिल्कुल ऐसे ख़राब होगी। ये हमारे हैं जी रेनकोट जो हमने पहने ही नहीं और सारे खुद ही भीग गए, अभी तारिक साहब इनको धो रहे हैं। वो जैसे दरिया में पानी की सतह ज़्यादा होती है तो जो नलका है ना ये भी पानी ज़्यादा देना शुरू कर देता है, हैंडपम्प इसका पानी ऊपर से निकलना शुरू हो जाता है। अभी धोने का कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि गीले कपड़े जो होने थे वो तो उनके हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो तंदूर है और जो साथ में मैंने जगह बनाई हुई है कुकिंग के लिए उसके ऊपर पानी चेक करें कितना ज़्यादा हो। हाँ जी इसने वो पिस्तौल बनाई हुई है उसकी कागज़ की, सही है। आज तारिक साहब बेचारे जो है ना वो अच्छे भीगे। आज इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह अभी नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए आप दुआओं में याद रखें और अपने ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।